देश की सर्वप्रथम श्री खाटू श्याम जी भगवत कथा का आयोजन आगरा की धरती पर 28 मार्च से होने जा रहा है। कथा व्यास श्री श्री 108 महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज ने बताया कि भगवत शब्द का अर्थ होता है भक्त, भक्तमान अर्थात भक्त भगवान का भाग। भागवत कथा भक्त और भगवान दोनों की कथा और इसका मूल भाव है सत्यम परम धीमहि। भक्त को भगवान द्वारा प्रत्यत अपने नाम का महत्व श्री खाटू श्याम भगवत कथा में बताया जाएगा। श्री मोरवी नंदन सेवा मंडल के संस्थापक अमित अग्रवाल ने बताया कि कलयुग में श्री खाटू श्याम जी तारणहार हैं। उन्हें श्री नारायण के अवतार श्री कृष्ण ने क्यों अपना नाम दिया, उनका महत्व बताया और उनके नाम जप से क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी संपूर्ण व्याख्या तथा कथा भागवत में कही जाएगी। कथा का आयोजन कोठी मीना बाजार में 28 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पहली बार 28 मार्च से 4 अप्रैल तक श्री खाटू श्याम भगवत कथा का सप्त दिवसीय का आयोजन विशाल रूप में होने जा रहा है। हम सभी श्याम प्रेमी जानते हैं खाटू श्याम की जो महत्ता है, खाटू के प्रति जो श्याम भक्तों का रुझान है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रभु श्री श्याम जो कि कलयुग के अवतारी हैं, हारे के सहारे हैं, 3 बाणधारी हैं, दिनों के मसीहा हैं, उनके पावन कथा चरितामृत को और विस्तार से दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस आगरा शहर में अपने देश का एक भव्य दिव्य और नव्य कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अविस्मरणीय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। इस कार्यक्रम को संपादन करने के लिए हमारा जो मोरवी नंदन सेवा मंडल आगरा है वो सब लोग जी जान से जुटे हुए हैं और इस कार्यक्रम का शंखनाद पूरे विश्व में जाए, सभी श्याम भक्तों के पास में जाए, ऐसी बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आज उसके पोस्टर विमोचन का यहाँ पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। हमारे सभी अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे श्याम भक्त यहाँ पर हैं और सबसे विशेष बात यह है कि हमारे मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं वो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने पूर्ण मनोयोग से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे सुंदर अवसर पर मैं सभी श्याम भक्तों को, पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और विशेष रूप से मोरवी नंदन सेवा मंडल परिवार जिन्होंने इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है और आप सबके सहयोग से ये बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम 28 मार्च से 4 अप्रैल तक संपन्न होगा। आप सब लोग ज़रूर इस कार्यक्रम को देखें और उस कार्यक्रम का आनंद लें, आप उसका लाभ उठाएं। यहाँ पर खाटू श्याम भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। ब्रज की धरा और आगरा इस पावन धरती पर मोरवी नंदन सेवा मंडल जैसा नाम वैसा काम 28 मार्च से 4 अप्रैल, जैसा कि पूज्य श्रीदेव महाराज जी ने बताया अभी कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर जी महाराज के मुखारबिंद से ये गंगा प्रवाहित होने जा रही है और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी गंगा बहेगी जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश डूब जाएगा। ठाकुर जी की कथा जरूरतमंदों पर कृपा करने वाले बाबा मोरवी नंदन श्याम जी महाराज, श्याम बाबा की बड़ी कृपा हुई है मोरवी नंदन सेवा मंडल परिवार पर। ऐसा लगता है कि स्वप्न हुआ है कि आप सब पर कृपा करो, सबको इस गंगा में डुबकी लगवाओ और उनकी कथा का श्रवण करो। यूँ तो आगरा की धरा पर अनंत अनंत कथाओं का वर्णन हुआ है लेकिन बाबा मोरवी नंदन श्याम बाबा खाटू श्याम जी की कथा का प्रथम बार सुनने का अवसर जो प्राप्त होगा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा हर परिवार का। ये बड़ी कृपा है हम सब पर, बाबा सदैव कृपा बनाए रखें और हमारे महामंडलेश्वर जी के जो चरण पड़े हैं इस आगरा की धरा पर
समस्त आगरा को कल्याणकारी करें। जय हो। मैं आगरा खाटू श्याम मंदिर फाउंडर ट्रस्टी, ये जो अपना मोरबी नंदन सेवा मंडल है जो ये भागवत कथा अपनी कराने जा रहा है, ये आगरा में क्या हिंदुस्तान में ही प्रथम बार द्वितीय बार ही होगी। अभी तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया था। ये मंडल इतना, मतलब इतना रिस्क लेकर कह सकता हूँ मैं कि इतना विशाल प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं, भगवान इनको सफलता जरूर देगा और हमारी शुभकामना है इनके संग में कि ये प्रोग्राम अति सफल हो। महाराज जी की कृपा हम लोगों पर रहेगी। शाम बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भारत के अंदर एक छोटा सा उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटा सा शहर आगरा, और आगरा के अंदर इतनी संस्थाओं के अंदर एक छोटी सी संस्था श्री मोरबी नंदन सेवा मंडल, जिसके सानिध्य में श्री खाटू धाम भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपके खाटू धाम कोठी मीना बाजार 8 दिन के लिए जो बनेगा, 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक यह भव्य आयोजन वहां सुनियोजित किया गया है, जिसके लिए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री शंकरपुरी महाराज जी के मुखारविंद से यह कथा का वाचन किया जाएगा। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आगरा को यह अवसर मिला है। भारत की प्रथम यह भगवत कथा होगी जिसका श्रवण सभी लोग, पूरे भारतवासी सुनेंगे और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे।